Hey guys, how are you? कैसे हो आप सभी? I hope you're still doing well at home and enjoying yourself. Okay, now come on, let's start a topic. Because मैंने थोड़ा सा introduction आपको बता दिया था कल किसके बारे में, cubes के बारे में. Sorry, I actually forgot to teach about square. Okay, इससे पहले मैं square पढ़ाना चाहिए था, but sorry I forgot. Don't worry about this because हमें थोड़ा सा little knowledge about this square have already done in previous classes. Okay, so now come on, let's start our topic, which name is just in cube. Okay. इसका नाम है क्यूब. मैंने बताया कल क्यूब के बारे में कुछ डेफिनेशन बताई. एनी नंबर कैन बी जस्ट मल्टीप्लाइड थ्री टाइम्स बाय इटसेल्फ दैट यू कैन कॉल इट जस्ट इन क्यूब. ओके, एंड वन का क्यूब कैन टू थ्री फोर फाइव. एटलीस्ट यू शुड नो जस्ट इन अबाउट क्यूब ऑफ अप टू टेन. यू नो कम से कम आपको टेन तक तो क्यूब आपको याद होने चाहिए. इसके अलावा मैंने बताया आपको कि इवन नंबर का जो क्यूब है वो आपको इवन ही होता है, एंड ऑड नंबर का क्यूब है वो ऑड होता है. एंड वंस डिजिट ऑफ क्यूब नंबर्स बताई कि आपको किसी भी डिजिट का अगर वो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है किसी भी क्यूब का, जैसे कोई नंबर दे दिया मैंने 18, अब 18 नंबर दे दिया तो 18 के क्यूब का आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है. तो कैसे करोगे? कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट करना है, आपको जो इसकी यूनिट डिजिट है उसका क्यूब निकाल लेना है. कितना होगा? 512. तो इसके क्यूब का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब 18 कितना होगा? 2. इस तरीके से आपको डायरेक्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये. तो क्यूब यूनिट डिजिट ऑफ जिस क्यूब 18, क्यूब यूनिट डिजिट क्यूब ऑफ 18 लिख देते हैं कितना होगा? इट्स अ 2. इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है. अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट फाइंड आउट करनी है. 8 हो, कोई सा भी नंबर दो आपके उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट. सॉरी, आई एम रियली सॉरी. ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है. अंडरस्टैंड? ओके, दैट इज द यूनिट डिजिट ऑफ जस्ट इन क्यूब ऑफ 18 इज इक्वल टू 2. एंड नाउ कम ऑन, लेट्स जस्ट इन ट्राई टू यू फाइंड एंड ट्राई टू जस्ट इन गो अहेड. तो इसके बाद में बात कर लेते हैं हम. तो बेटा कुछ और चीज़ें हैं हमारा जो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हैं, आपको इसको निकाल लेने हैं. उनका होमवर्क आपको सेंड कर देना है, आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस नंबर पे आपको सेंड करना है. मेरे नंबर पे ही सेंड करना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.1 में कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है. वंस डिजिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें देखोगे 5331 में तो आपको 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 तो यूनिट. 4 का क्यूब करना है, सॉरी क्यूब करना है. फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है. अगला क्वेश्चन है क्यूब फाइंड आउट करना है. 12 का क्यूब क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और फाइंड आउट कर लेना है. अंडरस्टैंड? कि 7 का क्यूब कितना होगा? ऐसे ही 7 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है. 7 × 7 × 7 और कितना? 343. तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है. अंडरस्टैंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चेक द फॉलोइंग नंबर विच वन ऑफ ईच इज जस्ट एन परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. हमको फाइंड आउट ये करना है कि अगला क्वेश्चन है हमारा 3 क्वेश्चन, इनमें से विच वेदर चेक वेदर की 7 to 9 इज जस्ट एन अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट. तो अब वो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 7.1 में, उसको फाइंड आउट करना है. सारे क्वेश्चन निकालने हैं आपको, इसमें से आपको निकालना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. बट इसमें थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर और नॉट नहीं बेटा, इसमें परफेक्ट क्यूब देखना है अपने को, ठीक है. तो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट नाउ. तो फर्स्टली आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस. ओके, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है लेकिन हम फाइंड करेंगे यहाँ पे परफेक्ट क्यूब. ओके, तो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट एंड कम टू द टॉपिक, दैट इज व्हाट हैपेंड. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं 270. तो बेटा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. तो देखो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्टली वी नीड टू नो अबाउट इट कि हाउ टू जस्ट पेयर्स तो सुना होगा. एंड इफ आर जस्ट टेकिंग एनी टू नंबर्स, सेम टू नंबर्स, सेम टू फैक्टर्स, जैसे दैट यू कैन टू नंबर्स, जैसे हमारा सूट्स का पेयर नहीं होता ऐसे ही दो नंबर्स यू कैन कॉल इट जस्ट पेयर. लेकिन अगर 3 नंबर्स का हो तो उसका क्या कहते हैं? आपने स्क्वायर रूट में देखा होगा वहाँ पर 2 पेयर्स बनाते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे हमारा क्यूब रूट देख रहे हैं, आई मीन परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो यहाँ पे हम ट्रिपलेट बनाएंगे. ट्रिपलेट मतलब ग्रुप ऑफ जस्ट 3 सेम फैक्टर्स. सबसे पहले सॉरी 2 से डिवाइड करोगे, 1
चलो अनदर टेक अनदर एग्जांपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी ले लेंगे और बता देंगे इसको आगे। हमारा एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज थोड़ा आसान उससे चलते हैं हम। 4, 2, 7, 2, 9 ओके। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड है दो, हाँ ये रूल्स पता होना चाहिए, 2 से डिवाइड है, लुक एट दिस यूनिट डिजिट, 2 से डिवाइड नहीं है ना, बिकॉज आप देख सकते हो यूनिट डिजिट में 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है। हाँ 3 का देखो, 3 मतलब तीनों का सम क्या होना चाहिए, सम में 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड है कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स ओके, एंड 1 दैट इज ओके। आफ्टर दिस यू कैन सी इट्स डिवाइडेड बाई 3, इट्स 81 डिवाइडेड बाई 3, 27 डिवाइडेड 3 एंड 9, 3, it's 1 ओके। तो 7 to 9 का आप फैक्टराइज देख सकते हो, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन थ्री इंटू, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 ओके। तो कम ऑन लेट्स सी नाउ, देखो यू कैन सी हियर बेटा, हमने इससे पहले पेयर्स के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस, लेकिन हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं ट्रिपलेट के बारे में। व्हाट इज दिस ट्रिपलेट, यू नो ट्रिपलेट मींस दैट कैन बी द स्टैंडर्ड टेकन थ्री नंबर्स, थ्री सेम फैक्टर्स ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, ग्रुप्स नहीं बनाने यहाँ पे, सॉरी पेयर्स नहीं बनाने यहाँ पे, आपको ट्रिपलेट्स बनाने हैं ठीक है ना। मतलब आपको क्या करना है, ग्रुप ऑफ जस्ट थ्री सेम फैक्टर्स उनका ग्रुप लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है ना, 3 के ट्रिपलेट बन रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तो द फैक्टर ऑफ जस्ट 7 to 9 सॉरी यहाँ पे लिख सकते हो एवरी फैक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट ठीक है ना ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी फैक्टर है, जो भी आपके प्राइम फैक्टर है, वो आपके सब क्या किया जा सकते हैं, जो भी सॉरी प्राइम फैक्टर, डोंट फॉरगेट टू राइट प्राइम फैक्टर ओके। तो जो प्राइम फैक्टर्स है आर जस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, तो सारे हैं जो भी प्राइम फैक्टर है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में आपके आप इनको लिख सकते हो। तो इसलिए क्या है हमारे क्यूब परफेक्ट क्यूब ओके। वहाँ पे हम पेयर देखते थे, यहाँ पे क्या देखेंगे ट्रिपलेट, ट्रिपलेट यानी ग्रुप ऑफ जस्ट थ्री नंबर। तो देख सकते हो 3 कैन बी जस्ट इन फॉर्म इन द ट्रिपलेट, दैट कैन बी इन द फॉर्म ट्रिपलेट, सो दैट इज जस्ट कॉल्ड व्हाट परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे सो 7 to 9 इज अ परफेक्ट क्यूब That is okay. So I hope you understand that. And come on, let's take another example. Okay. सबसे पहले prime factor करना है, make the triplet of this and make the triplet. आपको triplets बनानी है. Don't worry about it. Okay. Next example हम देखते हैं. देखो बेटा अगर triplet नहीं बन रहा है, जैसे suppose करो यहाँ पे एक number अदर number 2 होता, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो triplet नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे 2 एक रिमेंस रह जाता है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ट्रिपलेट आपके नहीं बन रहा है, दैट इज जस्ट नॉट अ परफेक्ट क्यूब ओके। तो यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए ओके। आई होप जस्ट एंड यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल एंड नॉट अंडरस्टैंड हार्ड सो मच यू नो ओके गाइज। तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे एट दिस एंड डूइंग वेल एट होम। प्लीज एंड डोंट वेस्ट योर टाइम and please make the best use of your time and don't waste your time or listen to me, very important thing for you, please don't forget to send me the homework okay, please send me the homework okay, best of luck, good luck.